एक बात आप लोग हमेशा याद रखा करिएगा कि राज्यपाल का पद हमेशा विवाद में बना रहता है, और आज की बात नहीं है, इसका दुरुपयोग हमेशा जो भी केंद्र सरकार में जिसका भी सत्ता रहा है उसने हमेशा किया है, फिर चाहे आप कांग्रेस के समय की बात करो या आज की सरकार की बात करो। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा राजस्थान का मामला, राजस्थान में भी तो सीएम और राज्यपाल के बीच एक तरह से झड़प चल रही थी। इसी तरह का आपने कुछ समय पहले एमपी में भी देखा होगा, आजकल आपने केरल में भी देखा हुआ है। आप याद करिए कांग्रेस के समय को भी, उस समय भी कई राज्यों में सरकार बर्खास्त कर दी जाती थी, हटा दी जाती थी, क्योंकि आप समझिए राज्यपाल डायरेक्ट ना कहें आप लोग तो इनडायरेक्ट झुकाव राज्यपाल का केंद्र सरकार की तरफ रहता है, जिसकी केंद्र में सरकार होती है। आप इसी तरह राष्ट्रपति साहब का देख सकते हैं आप लोग, अब डायरेक्ट नहीं कह सकते आप लोग लेकिन इनडायरेक्ट झुकाव आपके राष्ट्रपति का केंद्र की सत्ता की तरफ रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका उसी सत्ता पक्ष की होती है, समझ रहे हैं आप लोग। और जितनी भी एजेंसियां होती हैं उनका भी आप अक्सर झुकाव थोड़ा बहुत देखते होंगे किसकी तरफ, केंद्र सरकार की तरफ। तो ये कोई नई बात नहीं है और ना ही आज की बात है, ठीक है, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो हाल ही में क्यों चर्चा में है राज्यपाल, तो हाल ही में केरल के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। आप समझिए कि केरल वही राज्य है जहां आप देखेंगे शिक्षा की व्यवस्था देखिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए आप लोग, महिलाओं की स्थिति की देखिए, साक्षरता की देखिए आप लोग, सब ऊपर आपको उठी हुई दिखाई देंगी। आप उत्तर भारत से और वहां की केरल के मामले में जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत में जब मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में आपका वोट बैंक जो जाति धर्म के नाम पर पड़ता था, तब केरल में आपका काम के नाम पर वोट पड़ता था। इसीलिए आप देखेंगे कि कई इंडेक्स आते हैं, कई सूचकांक आते हैं, उसमें केरल सबसे टॉप पर आपको मिलेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आपको नीचे से टॉप कर रहे होंगे। आप समझ सकते हैं कि केरल कितनी अच्छी पोजीशन में है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि अभी जो आपने देखा है कि विरोध भी चल रहा है कृषि कानूनों को लेकर, 3 जो कृषि कानून आए हुए हैं, तो विधानसभा में एक तरह से बात करने के लिए, इन पर विचार विमर्श करने के लिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वहां, जो भी राज्य मंत्रिमंडल है, तो उसने क्या किया कि विधानसभा को बुलाने की बात की है, लेकिन वहां के जो राज्यपाल साहब हैं उन्होंने क्या कर दिया है, इसे खारिज कर दिया है, इस मांग को खारिज कर दिया है। और आप समझ सकते हैं कि किसके कहने पर एक तरह से खारिज किया होगा, राजस्थान में आप समझ सकते हैं किसके इशारों पर किया होगा, मध्य प्रदेश में आप समझ सकते हैं किसके इशारों पर किया होगा। और आपने देखा होगा कि राज्यपाल साहब को अध्यादेश लाने की शक्ति 213 के तहत, किसके, आर्टिकल 213 के तहत मिली हुई है। तो किसकी सलाह पर अध्यादेश लाते हैं राष्ट्रपति, वो राज्यपाल साहब, राष्ट्रपति को आपका 123 यानी कि 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश लाने की शक्ति मिली हुई है, किसकी सिफारिश पर लाते हैं, किसकी सलाह पर लाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति के मन में सुबह हुआ कि आज हम अध्यादेश लाएंगे और ले आए, मंत्रिमंडल की सलाह रहती है तभी वो लोग एक काम करते हैं, ठीक है। विधानसभा सत्र बुलाने में राज्यपाल की भूमिका क्या है, इसका संविधानिक प्रावधान तो अनुच्छेद 174, इसके अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो कि वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, और यह प्रावधान राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी देता है कि सदन को प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाए, आहूत किया जाए। अनुच्छेद 163 क्या कहता है, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सदन को बुलाने का विशेष अधिकार प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल अपने इच्छा अनुसार कुछ भी करते रहे। अतः जब राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत सदन को आहूत करता है तो उसकी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर किया जाता है। आप समझिए कि राज्यपाल को कौन नियुक्त कर रहा है, एक तरह से उसकी नियुक्ति हो रही है आप समझेंगे, और मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त कर रहा है, मुख्यमंत्री आप देखेंगे कि जनता के द्वारा एक तरह से चुना जा रहा है, तो शक्ति किसके पास होनी चाहिए, मुख्यमंत्री के पास। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि राज्यपाल को किसी बात का एक तरह से फैसला नहीं करना है कि मतलब आप सोचिए जनता के प्रति जवाबदेही हो कि अगर राज्यपाल ने अच्छे से काम नहीं किया तो जनता उसे दोबारा नहीं जिताएगी, लेकिन मुख्यमंत्री पर यह प्रेशर रहता है हमेशा
कि उसे जनता की एक तरह के प्रति जवाबदेही भी रहना पड़ता है कि अगर उसने काम नहीं किया तो उसकी पार्टी अगली बार हार जाएगी। ठीक है, और अपवाद की अगर बात करें तो किसी स्थिति में जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री के पास सरकार चलाने के लिए आवश्यक सीटों का बहुमत नहीं है और विधानसभा के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, तब राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर सदन या सदनों को आहूत करने के संदर्भ में निर्णय ले सकता है। राज्यपाल द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत लिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्या की जा सकती है? दी जा सकती है। और केरल का मामला अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत का राज्य है केरल। ठीक है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी भी दे देता हूं जब चर्चा में है यहाँ, तो इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी तिरुवनंतपुरम, ये आपका केरल है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और इसमें अगर बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और यहाँ आपको विधानसभा सीटें 140 देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटें 9 और लोकसभा सीटें 40। ठीक है, यहाँ विधान परिषद नहीं है, यहाँ केवल विधानसभा है, ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अगर बात करें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इस तरह के निर्णय भी दिए हैं। 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के राज्यपाल के निर्णय के कारण उत्पन्न हुए संवैधानिक संकट की समीक्षा की थी। क्या होता है कि आपने देखा होगा कहाँ कहीं केंद्र सरकार की और उस राज्य सरकार की बन नहीं रही है और गतिरोध चल रहा है, तो क्या किया जाता है कि वहां राष्ट्रपति या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, और किसकी सलाह पर लगाया जाता है? राज्यपाल साहब की सलाह पर। आपने कुछ समय पहले महाराष्ट्र में भी सुना होगा कि कई लोगों के द्वारा कहा गया कि अब यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग, उसी की बात कर रहा हूँ। सामान्य परिस्थितियों में जब मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को सदन में पर्याप्त बहुमत प्राप्त हो तो ऐसे में राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के तहत सदन को आहूत करने, स्थगित करने और भंग करने की अपनी शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से समन्वय बनाए रखते हुए करना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे केरल में उल्टा दिखाई दे रहा है। सदन को आहूत करना, सदन को आहूत करने से आशय संसद विधानसभा के सभी सदस्यों को मिलने के लिए बुलाने की प्रक्रिया है। सदन को आहूत करने की मतलब कि सभी संसद यानी कि आप देखते होंगे लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा हूं, विधानसभा इन सदस्यों को मिलने के लिए बुलाने की एक तरह से आप कह सकते हैं प्रक्रिया है। फिर एक शब्द आप सुनते रहते, स्थगित करना, स्थगन से आशय सदन के एक सत्र की समाप्ति से है। फिर आप सुनते हैं भंग करना, सदन को भंग या विघटित करने से आशय है कि मौजूदा सदन का को पूरी तरह समाप्त करने से है, जिसका अर्थ है कि आम चुनाव होने के बाद ही नए सदन का गठन किया जा सकता है। एक जब कार्यकाल हो जाता है एक तरह से, तभी इस तरह की व्यवस्था होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सदन को आहूत करने की शक्ति की व्याख्या राज्यपाल के कार्य के रूप में की है और ना कि उसे प्राप्त शक्ति के रूप में। एक तरह से आप समझिए कि राज्यपाल साहब को मंत्रिमंडल जो भी है, मुख्यमंत्री साहब जो भी है, उनके पास अगर बहुमत है तो उनकी बात भी माननी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी शक्ति है, अपने पास विशेष अधिकार है एक तरह से कि कभी भी बुलाएं कभी ना बुलाएं, समझ रहे हैं आप लोग। अगर कोई आप समझिए कोई जरूरी काम पड़ गया उस समय भी अगर राज्यपाल साहब इसी तरह का बर्ताव करें तो फिर क्या होगा, समझ रहे हैं आप लोग। राज्यपाल की भूमिका पर सरकारी आयोग 1983 की रिपोर्ट में क्या कहा गया था याद रखिए, सरकारी आयोग 1983 का है, राज्यपाल से संबंधित है। जब तक एक राज्य की मंत्रिमंडल की को विधानसभा में पर्याप्त बहुमत प्राप्त होता है तो उसके द्वारा दी जाने वाली सलाह है, जब तक स्पष्ट तौर पर असंवैधानिक ना हो का अनुसरण करना राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगा। आप समझिए कि जब भी मंत्रिमंडल को पर्याप्त एक मुख्यमंत्री को बहुमत है, अगर वो सलाह देता है और वो असंवैधानिक नहीं है तो क्या होगा, राज्यपाल को वो बाध्यकारी यानी कि वो सलाह माननी होगी। अगर असंवैधानिक है तब राज्यपाल उस सलाह को नहीं मान सकता है, लेकिन अगर संवैधानिक तरीके से अगर उन्होंने सिफारिश की है तो उसे मानने के लिए राज्यपाल साहब बाध्यकारी होगा। किसने कहा? सरकारी आयोग ने। केवल ऐसी स्थिति में जहां इस तरह की सलाह के अनुरूप की गई कार्रवाई किसी संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का कारण बन सकती है या फिर जहां मंत्रिपरिषद ने विधानसभा में बहुमत खो दिया हो, तभी यह सवाल उठता है कि क्या राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है अथवा नहीं। कई राज्यों में आप देखते होंगे कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं उसके बाद पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है किसी पार्टी को, तो केंद्र में सरकार रहती है, वो जोड़ तोड़ के
अपनी सरकार बना लेती है और राज्यपाल साहब उसे ही एक तरह से न्योता भी दे देते हैं। अभी गोवा में आप लोगों ने ये मामला देखा होगा कि जहां बीजेपी के पास कम एक तरह से सदस्य थे विधानसभा के, और आपने देखा होगा कि उसके कांग्रेस के पास काफी थे, लेकिन फिर भी बीजेपी को बुलाया गया था। कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था आप देखते रहते हैं। ठीक है, केरल के मामले में संभावित परिणाम की बात करें, यदि केरल सरकार सदन का विशेष सत्र बुलाए जाने की अपनी मांग पर अड़ी रहती है तो सदन को आहूत करने से मनाही का कोई कानूनी आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि सदन को आहूत करने के संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियां सीमित हैं। यदि राज्यपाल द्वारा फिर भी सदन को आहूत करने से मना किया जाता है तो इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है और दी जाएगी और दी जाती रही है। ठीक है, अगर राज्यपाल की हम लोग बात करें तो एक बात हमेशा याद रखिए, जिस तरह से आप लोग केंद्र सरकार में राष्ट्रपति साहब को देखते हैं उसी तरह राज्यों के लिए एक तरह से राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति शक्तियां और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित सभी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 162 के तहत किया गया है। एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले आनंदी बेन पटेल अभी देखा होगा, तो वो एमपी की भी थी, अतिरिक्त कार्यभार संभाली हुई थी, उत्तर प्रदेश की भी थी। आप समझ रहे हैं, दो राज्यों का भी हो सकता है एक व्यक्ति राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल की भूमिका राष्ट्रपति के समान ही होती है। राज्यपाल राज्यों के लिए राष्ट्रपति के समान कर्तव्यों का ही निर्वाह करता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख भी होता है। ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल पद की दोहरी भूमिका होती है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जो राज्य मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य भी करता है। कई बार आप देखते हो राज्यपाल के बीच भी एक तरह से विवाद चलता रहता है। दिल्ली सरकार को आपने देखा होगा कई बार घिरे रहे हैं, दोनों में बड़ा मतलब विवाद चलता है। आप समझिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जनता के द्वारा अच्छे बहुमत से चुने गए, उपराज्यपाल कौन हुए, उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया है, तो शक्ति सबसे ज्यादा किसके पास होना चाहिए, मुख्यमंत्री के साहब के पास। लेकिन वहां आप देखते हैं कि उपराज्यपाल साहब कई बार उठापटक चलती रहती है एक तरह से। राज्यपाल पद के लिए अगर योग्यता की बात करें तो आप भी बन सकते हैं राज्यपाल, इसमें कोई दोहरा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए पात्रता को निर्दिष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका का सदस्य ना हो, किसी राज्य अथवा संघ सरकार के भीतर लाभ का पद न धारण करता हो। तो याद रखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप 35 साल उम्र हो चुकी है तो आप भी ऊपर वाले से दुआ करिए कि आप भी कहीं के राज्यपाल नियुक्त हो जाए। इसकी नियुक्ति की बात करें अगर हम लोग, तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। अब आप खुद सोचिए, राष्ट्रपति किसका होता है, जिसकी केंद्र में सरकार होती है, क्योंकि वो ही तो जिताता है, उसे चुनवाता है एक तरह से। और आप सोचिए, राज्यपाल को कौन नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति साहब। इसलिए आप देखते हैं कई नेता राज्यपाल बनकर राज्यों में चले जाते हैं, इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलते रहेंगे। कार्यकाल की इनकी अगर बात करें तो सामान्य राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु उसके कार्यकाल को निम्नलिखित स्थितियों में इससे पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। अब समझिए, अगर प्रधानमंत्री की बात ना माने राज्यपाल तो उसे कभी भी हटा सकते हैं, समझ रहे। संविधान में वैध कारण के बिना राज्यपाल के कार्यकाल को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे राज्यपाल को बर्खास्त करे जिसके कृत्यों को न्यायालय में ने असंवैधानिक तथा गैर कानूनी माना है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को इस्तीफा भी देकर, अब मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति साहब को इस्तीफा भी दे सकता है। अगर हम राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण यही है और इन्हीं पर विवाद चलता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। सामान्य राज्य में बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, किंतु ऐसी स्थिति में जहां किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिला हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। एक बात और आपको बताऊं, आप समझिए, जहां किसी पार्टी को बहुमत मिल चुका है या गठबंधन को बहुमत मिल चुका है वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है जहां बहुमत ना मिले, तब राज्यपाल क्या करेगा कि अपने विवेक के अनुसार भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो एक तरह से बहुमत साबित करने की स्थिति में हो उसे भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सदस्य होना चाहिए, नहीं, कोई अगर बिना सदस्य, मतलब सदस्य नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है।
लेकिन 6 महीने के अंदर उसे सदस्य बनना आवश्यक है, फिर चाहे विधानसभा या विधान परिषद का। आपने महाराष्ट्र में अभी हाल ही में देखा होगा उद्धव ठाकरे के बारे में, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना तो विधानसभा की तरह ना विधान परिषद की। ठीक है, मंत्री परिषद को भंग करना, राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल ना करने पर वह मंत्री परिषद का विघटन कर सकता है। आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल जब इस तथ्य से संतुष्ट हो जाता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य का प्रशासन संविधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह भी दे सकता है। फिर आप देखते होंगे राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करना, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 200 में ऐसी स्थितियों का उल्लेख किया गया है जब राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित किया जा सकता है, किंतु ऐसे मामले में अपने विवेक का भी प्रयोग कर सकता है। देखिए, विधेयक हमेशा याद रखा करिए, विधेयक और कानून में एक यही फर्क, अधिनियम में यही फर्क है कि जब आप देखते होंगे लोकसभा राज्यसभा की बात करें, फिर चाहे विधानसभा या विधान परिषद की बात करें, तब तक ये विधेयक रहता है। जैसे आप मान लीजिए विधानसभा की यहां बात करूं, विधानसभा में वो विधान परिषद में जब तक रहेगा तब तक वो विधेयक कहलाएगा, जैसे ही राज्यपाल की उस पर सहमति मिलेगी वो आपका अधिनियम में बदल जाएगा, एक तरह से कानून बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि कोई विधेयक एक तरह से विवाद में घिरा हुआ है तो उसे राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति साहब के लिए आरक्षित भी कर सकते हैं। विधानसभा के विघटन की अगर बात करें हम लोग, तो राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्य के विधानमंडल का सत्य आमंत्रित सत्तावसान उसका विघटन करता है। जब राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है तो वह सदन को भंग भी कर सकता है। इसका भी कई बार दुरुपयोग देखा गया है। क्या देखा गया है? दुरुपयोग। कई बार किसी के पास अगर बहुमत है तो उस सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें कोई नया नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के समय से शुरू हुई है, एक कांग्रेस के समय में भी इसका धड़ल्ले से दुरुपयोग किया गया है, तो समय समय पर होता रहता है। फिलहाल आपको इस पॉइंटों के बारे में जरूर याद रखना है, वो छोड़िए दुरुपयोग हो रहा है क्या हो रहा है।